हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत इजी तरीका शेयर करूंगी, बहुत आसान विधि शेयर करूंगी आप सभी से आलू परवल की सब्जी बनाने का। परवल बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, मैंने परवल आलू को अच्छे से छील करके धुल लिया है और अलग अलग रखा है, क्योंकि हम आलू को उबालेंगे। और मैंने आलू को कुकर में डाल दिया है और आधा कटोरा पानी डाला है। सब्जी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आलू परवल की जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तीन सीटी तक इसको हम पकाएंगे। तीसरी सीटी आ जाएगी तो चूल्हा बंद कर देंगे। हाई फ्लेम पर मैं आलू पका रही हूँ और उसके बाद हम आलू को पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे बर्तन में और परवल को डाल देंगे इसमें, क्योंकि परवल को हल्का सा सॉटे करना है, यानी हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने से ना इसका जो सोंधापन है वो दुगना हो जाता है और सब्जी का भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। हल्का ही सॉटे करेंगे, हल्का हल्का कलर चेंज हो गया था तो मैंने निकाल लिया, चूल्हा बंद कर दिया। इसके साथ ही हमारा जो आलू पक चुका था तो मैंने उसको भी चूल्हा ऑफ कर दिया है और उसके बाद प्रेशर निकलने के बाद ही खोलूँगी। एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया था, मेरा सबसे थोड़ी बड़ी साइज़ है, और इसको अच्छे से छील के इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में मैंने किया है। इसके पीस कर लेंगे, छोटे बड़े बड़े साइज़ के पीस करने हैं। और एक थोड़ा बड़ा साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने लिया है इस तरीके से, उसको भी हम कट कर लेंगे। तो चलिए अच्छे से कट कर लेते हैं, उसके बाद इसको डाल देंगे जार में डाल के पीस लेंगे। देखिए, मैंने इसको काट लिया है और जार में डाल दूंगी। एक साथ पीसेंगे हम इसको, आगे पीछे नहीं पीसना है। और उसके बाद ना थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे पानी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि टमाटर बहुत अच्छे से पिस जाता है, इसलिए तो थोड़ा ही पानी डालेंगे प्याज के लिए। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद देख रहे हैं ना दोस्तों आप, कितना अच्छा हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हुआ है। इसको हम रख देंगे किनारे निकाल के। और उसके बाद देखिए, हमारा जो पेस्ट एकदम बढ़िया तैयार हो गया है। हम मसाला तैयार कर लेंगे अपना। मैंने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, मैंने डाला 3 चम्मच है, लेकिन मैं बताऊंगी 2 चम्मच, क्योंकि मेरा पेस्ट थोड़ा पतला हो गया था इसलिए। तो अगर आपके पास होता है तो आप 3 चम्मच मत डालिएगा, 2 चम्मच डाल दीजिएगा। और उसके बाद डाला है 1 चम्मच गर्म मसाला, इसी चम्मच से मापते हुए, यानी इसका मेजरमेंट मैंने चम्मच से ही लिया है। आधा चम्मच डाला है भुना हुआ जीरा, देख सकते हैं आप, इसी चम्मच से लिया है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर की क्वांटिटी मैंने 1 चम्मच रखी है। और 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा भरा हुआ था तो बस इतना ही था, और ज़्यादा उसके बाद नहीं डाला था। और अच्छे से मिला के पेस्ट तैयार कर लिया। और कढ़ाई में डाला 1 बड़ा चम्मच तेल, तेल डालने के बाद ना 1 चम्मच मेथी डाल दिया, मेथी दाना। और उसके बाद हमारा मेथी दाना हल्का सा कलर चेंज किया, तो हमें मसाला उसमें डाल देना है। आज धीरे करके लो फ्लेम पर डालिएगा, नहीं तो बहुत तेज़ छींटे पड़ेंगे। और मसाले के बाद 2 हरी मिर्च मैंने डाल दी, ऐसे ही कट नहीं किए। उसके बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और हमारा जो मसाला है ना वो मैंने हाई फ्लेम पर भुना है, बस चलाते हुए भुना है, मैंने ढक करके नहीं भुना। और इसके बाद इसको मैंने परवल में ऐड कर दिया, देख रहे हैं आप ना। परवल ऐड करने के बाद इसको थोड़ा देर और भुनेंगे बढ़िया से। तो चलिए भून लेते हैं फटाफट। अब ये मीडियम फ्लेम पर मैं इसको चला रही हूँ, और आप चाहें तो लो फ्लेम पर भी छोड़ सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इससे ना क्या होता है, मसाले जो परवल में बहुत अच्छे भींग जाते हैं। 2 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था इसको हाई फ्लेम पर चलाने के बाद, और 2 मिनट बाद ना ये बिल्कुल अच्छे से मसाला भींग गया है परवल में। और उसके बाद इसमें हम पानी लगाएंगे, जो हमने मसाला निकाला था ना, जार में भी लगा हुआ था, कटोरे में भी, तो उन सभी को अच्छे से निकाल लेंगे। और 1 कटोरा मैंने पानी इसमें डाला है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 3-4 मिनट बाद खोला है, क्योंकि परवल हमारा गल जाएगा, परवल गलना ज़रूरी है क्योंकि आलू हमारा बॉयल था इसलिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट तक इसको ढीली आंच पे छोड़ दीजिएगा। लो फ्लेम पर परवल जल्दी ही गल जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर नहीं गलता है तो आप 5 से 7 मिनट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, हमारा जो परवल था वो गल चुका था, और इसको मैंने खोला और लो फ्लेम पर ही मैंने आलू को डाल दिया है। प्रेशर निकल चुका था आलू का, और आलू का देख रहे हैं बिल्कुल साइज़ नहीं टूटा है, एकदम बढ़िया हमारा आलू है। और इसको अच्छे से चलाएँगे, और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। ग्रेवी ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी। तो चलिए मैं पानी ऐड कर देती हूँ। मैंने 1 कटोरा पानी लिया है, देख लीजिए, उसी बर्तन से लिया है जिस बर्तन से मैंने मसाला मापा था, मसाला जिसमें निकाला था वही बर्तन है। पानी गंदा नहीं है, गंदा मत समझिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे, देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे बनाइए परवल। कलर देख रहे हैं कितना प्यारा आया है, किसी के आगे सर्व करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, देखिए कलर कितना प्यारा आया। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 से 4 मिनट ढकना है धीरे आंच पे। 3 से 4 मिनट बाद लो फ्लेम पर हमें ढकना था। और देखिए, मैंने खोला और उसको बंद कर दिया चूल्हा, क्योंकि मैंने सभी चीज़ ऐड कर दिया था, तो अब कुछ ऐड करना नहीं था और हमारी सब्ज़ी पक चुकी थी, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया 3 मिनट बाद। और देख रहे हैं हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया तैयार हुई है। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, नमक चख के तभी बंद करिएगा चूल्हा।